सपने क्या हैं? सपना एक मानसिक क्रिया है जो नींद की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें वास्तविकता का अनुभव होता है। अब सपने के अलग अलग स्तर हैं, अर्थात अलग अलग लेवल हैं। मूलतः इसे तीन रूप में बांटा गया है, पहला निम्न स्तर, दूसरा मध्यम स्तर और तीसरा उच्च स्तर। पहला निम्न स्तर। निम्न स्तर पे आए हुए सपने हमें लगभग याद नहीं रहते हैं। वैज्ञानिक मतानुसार हम जब भी सोते हैं हमें 3 या 4 बार सपने आते हैं। ज़्यादातर यह सपने निम्न स्तर के होते हैं, इसलिए हमें यह याद नहीं रहते हैं। दूसरा मध्यम स्तर। मध्यम स्तर के सपने हमें अच्छे से याद रहते हैं, परंतु हम जब भी मध्यम स्तर के सपने को देखते हैं तो हमें पता रहता है कि हम सपने देख रहे हैं। या यूँ कहें कि मध्यम स्तर के सपने हमें वास्तविकता का उतना अनुभव नहीं करा पाता है। तीसरा उच्च स्तर। उच्च स्तर के सपनों में हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस सपने में जी रहे हैं, यानी वह सपना बिल्कुल असली जीवन की तरह चलता है। सपना टूटने के बाद बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वह सपना कहीं असली तो नहीं था, अब वह वापस से किसी और सपने में तो नहीं जी रहे हैं। उच्च स्तर के सपने में कुछ ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि योग में निद्रा को कितने स्तरों में बांटा गया है। योग में निद्रा का अपना एक अलग महत्व है। योग में निद्रा के 2 स्तर और बढ़ जाते हैं, अर्थात योगी मानते हैं कि योग में निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के साथ साथ नियंत्रित और वास्तविक स्तर भी होता है। नियंत्रित और वास्तविक स्तर योग में निद्रा के मुख्य अंग हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं योग में नियंत्रित निद्रा क्या है। नियंत्रित निद्रा का अनुभव लगभग सभी लोग किए होंगे। इस निद्रा में आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और उस सपने को आप अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं, अर्थात आप जैसा चाहें वैसा सपना देख सकते हैं। परंतु ऐसे सपने आपके जीवन में देखने को बहुत कम मिलते हैं। लेकिन योग में नियंत्रित निद्रा का लेवल जागृत किया जाता है। आप इसको योग निद्रा से हासिल कर सकते हैं, अर्थात जब आप योग निद्रा से नियंत्रित निद्रा के लेवल को जागृत कर लेंगे तो आप जब भी सपना देखेंगे तो उस सपने पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। आप उस सपने को अपने अनुसार देख सकते हैं। पहले के योगी और ऋषि मुनि नियंत्रित निद्रा के लेवल को सर्वप्रथम जागृत करते थे, क्योंकि नियंत्रित निद्रा एक वर्चुअल जीवन की तरह होता है। इस स्तर को जागृत करके आप अपने जीवन के बहुत से कार्य को आसान कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज आपको कोई घर बनाना हो तो आप पहले से ही उस घर के डिज़ाइन को बनाते हैं। उस घर के नक्शे को बनाने के बाद कुछ लोग उसे 3D में भी बनवा कर देखते हैं कि उनका घर कैसा दिखेगा। बस नियंत्रित निद्रा भी कुछ इसी तरीके से कार्य करती है। आप किसी भी चीज़ को अपने निद्रा में देख सकते हैं और उसका क्या आउटपुट आ रहा है उसे महसूस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने निजी जिंदगी में उसे उपयोग करके उसका लाभ उठा सके। पहले के ऋषि मुनि नियंत्रित निद्रा का प्रयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते थे। इसको और भी आसान शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप आज कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले आप उस कार्य के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस कार्य को कैसे किया जाए उसका पूरा प्लान बनाते हैं, फिर जाकर उस कार्य को हम लोग करते हैं। इन सभी कार्य को करने के लिए हमने अपने विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का सहारा लिया। इसी कार्य को हम नियंत्रित निद्रा के माध्यम से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी हम नियंत्रित निद्रा को नियंत्रण में करके किसी भी चीज का विचार करके उसे कैसे किया जाए उसका पूरा प्लान बना सकते हैं।
नियंत्रित निद्रा हमारे कल्पना शक्ति और विचार शक्ति से ज्यादा स्पष्ट और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। यकीन मानिए दोस्तों, नियंत्रित निद्रा का प्रयोग हमने भी कई बार किया है, परंतु नियंत्रित निद्रा एक ऐसी निद्रा है जिसका अभ्यास आपको हर समय करना होगा, क्योंकि अगर इसका अभ्यास आप कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो आप नियंत्रित निद्रा के लेवल को खो देंगे। यानी अगर आप नियंत्रित निद्रा पर काबू कर लेते हैं तो उसका अभ्यास आपको हर समय करना होगा या कुछ समय बाद करना होगा। इसे लंबे समय तक आप छोड़कर नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, हमने भी नियंत्रित निद्रा का प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। इसका अनुभव सच में बहुत ही मजेदार होता है। इसका अनुभव हम सभी को एक बार तो अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि नियंत्रित निद्रा पर काबू करने के लिए हमको योग निद्रा का अभ्यास करना होगा। योग निद्रा के बारे में हमारे चैनल पे कई वीडियो उपलब्ध हैं। आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। पांचवा, वास्तविक निद्रा। वास्तविक निद्रा एक ऐसी निद्रा मानी जाती है जिसमें हम भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। ऋषि मुनि यह मानते थे कि अगर हम अपने वर्तमान को देख सकते हैं, भूत को सोच सकते हैं, तो भविष्य के बारे में हम कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने के लिए बहुत से उपायों को निकाला, जिनमें से निद्रा भी एक माध्यम बना। वास्तविक निद्रा ऐसी ही निद्रा होती है जिसमें हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को साक्षात रूप से देख सकते हैं और आसपास के घटी घटनाओं को हम पहले से ही जानकर उस पर विचार कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क किसी भी घटी घटनाओं को पहले से ही भाप लेता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का कहना था। और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा कि वह अपने सपने में जो चीज देखे होंगे वह एक दिन बाद या दो दिन बाद सच हो गया होगा। वह वास्तविक सपने की वजह से होता है। अगर इंसान वास्तविक सपना देखता है तो वह भविष्य को या भूत को देखता रहता है, परंतु वास्तविक सपने का पुख्ता सबूत आज के समय में किसी के पास भी नहीं है। और जिनके पास भी वास्तविक निद्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है तो वह लोगों के बीच उजागर नहीं करते हैं। लोगों के बीच वास्तविक निद्रा की जानकारी न लाने का बहुत सा कारण हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि आज के समय में वास्तविक निद्रा किस प्रकार से देखा जाए इसका ज्ञान विलुप्त हो चुका हो, यानी किसी के पास इसका ज्ञान न हो। परंतु दोस्तों, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए वास्तविक निद्रा के बारे में हमने आपको बताया। हो सकता है आने वाले समय में वास्तविक निद्रा की खोज हो जाए या लोग इस पर अच्छे तरीके से काबू कर लें। वास्तविक निद्रा को काबू करने के लिए भी योग निद्रा का ही सहारा लिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो सपनों के बारे में सबका अलग अलग मत होता है। वैज्ञानिक मत अलग है, आध्यात्मिक मत अलग है। आध्यात्म में ज्योतिष फल अलग है, जिसमें ज्योतिष के अनुसार किस समय पर कौन से सपने को देखने पर क्या फल मिलेगा उसका भी वर्णन ज्योतिष में किया गया है। हमारे धर्म में कौन से सपने बुरे हैं, कौन से सपने अच्छे हैं, किस समय कौन से सपने आने चाहिए, इन सब का वर्णन किया गया है। बुरे सपने का क्या उपाय किया जाए उसका भी वर्णन किया गया है। इसलिए सपनों के बारे में बताने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप सपनों के बारे में क्या जानते हैं? आपका सपनों पर क्या अनुभव है? आपका अनुभव हमें अवश्य बताएं। आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और सपनों के बारे में अगर आप कुछ रोमांचक तथ्य जानते हैं तो आप हमें अपना ज्ञान जरूर शेयर करें, जिससे हमें भी सपनों के बारे में और भी कुछ पता चल सके। तो दोस्तों, आपको हमारा यह सपनों का वीडियो
कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।